दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अपना स्टूडियो दिखाऊंगा, अपना ऑफिस दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ। आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग हमारे वीडियो देखते होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल उठता होगा कि ग्लोबल संदीप जी अपना वीडियो कहाँ शूट करते हैं। कई हमारे फॉलोअर्स और कस्टमर और हमारे जानने वाले लोगों ने हमसे पूछा कि सर आप वीडियो कहाँ बनाते हो, बहुत अच्छा बनाते हो। तो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ कि हमारा स्टूडियो जो रूम है, हमारा जो केबिन है, हमारा पर्सनल जो ऑफिस है जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। आपको मैं एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से दिखाऊंगा। ये देखिए, आप सामने देख रहे हैं, इस स्मृति चिन्ह है मेधावी छात्र सम्मान 2018। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुझे मिला हुआ था 2018 की बात है, मुझे ये सम्मान मिला हुआ था। और आपको बात बता दूं कि जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा भी मुझे भेंट भी मिला हुआ है। बहुत सारे गिफ्ट है और जो मेधावी छात्र को मिलते हैं वो मुझे काफ़ी मिले हुए हैं। मैं आपको अपना पर्सनल इन्फो आपको नहीं बताया था, मैं अपना वीडियो बना के किसी दिन डाल दूंगा। जैसा कि आप मेरा ऑफिस देख रहे हैं, आपको मैं एक तरफ से दिखाता जाऊंगा। देखिए सामने, देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जो आपके लेफ्ट साइड पे हैं, माननीय मंत्री राम लखन वर्मा जी की तस्वीर है। और सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका तस्वीर है। ये राम लखन वर्मा जी हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे BJP सरकार में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को आप तो जानते ही होंगे, पूरे इंडिया जानता है। और आपको बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मैंने पिक लगाया हुआ है। इनका जन्म जो तारीख है 25 सितंबर, और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1916 के आसपास हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये मैं बहुत बड़ा पिक लगाया हूँ। और इसमें मैं महात्मा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का भी लगाया हूँ, जो जन्म तारीख 2 अक्टूबर को इसमें लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखा दूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आपके जो मौजूदा जो सरकार है, इनमें जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका भी पिक लगाया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और माननीय अंबेडकर जी का भी लगाया हूँ। सबसे बड़ी चीज़ की मैं आपको दिखा दूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी एक काव्य बहुत फेमस थी, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही सत्य बात है, जो इन्होंने बोला वो इतिहास में दर्ज हो गया। बहुत ही अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़ा सोच रखते थे और युवाओं को काफ़ी ज़्यादा संदेश देते थे, मोटिवेट करते थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे से बहुत ज़्यादा तरक्की करें। माय डियर फ्रेंड्स, जो आप देख रहे हैं ये अम्बेडकर जी हैं, जिनका जन्म 14/4/1891 को हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि कुंभ का जो मेला लगा हुआ था, मैं वहाँ घूमने गया हुआ था, तो कुछ सीनरी मैं वहाँ से लेकर आया हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑफिस को बहुत ही बेहतरीन से डेकोरेट करता हूँ। और सामने जो तस्वीर देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का है, जिन्हें, माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में वो हर एक तस्वीर रहे जो अपने देश को आज़ाद करने के लिए या देश को योगदान देने के लिए जो हमारे महापुरुष हैं, वो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही संघर्ष के साथ देश को आज़ाद कराया था। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा दूं कि पॉलिटिकल पॉइंट के भी मैं कुछ किताबें रखता हूं। जैसा कि मैं रियल स्टेट मार्केट से जुड़ा हूं, तो रजिस्ट्री पेपर भी हमारे बहुत सारे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो ये मेरा जो है, ये मेरा स्टूडियो रूम है जिसको मैं आज पहली बार आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। हमारा स्टूडियो रूम जो मेरा ऑफिस है, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा दो चैनल है, एक रियल एस्टेट मार्केट से और एक ग्लोबल संदीप से। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों चैनल को ही आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऑफिस को डेकोरेट करके रखना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो प्रोफेशनल वर्क करता है अपने ऑफिस को ऐसे ही डेकोरेट करके रखे, ताकि जो हमारा नया जनरेशन है उसको एक नया संदेश मिले और अपने जो हमारे महापुरुष हैं, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए योगदान दिया था, उनको ना भूलें। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा छोटा सा केबिन है जहाँ मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ और मुझे ये केबिन बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपने केबिन से बहुत प्यार है, मुझे अपने स्टूडियो से बहुत प्यार है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे मनोबल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। और आपको बता दूँ कि ये मेरा ऑफिस बहुत ही पुराना है। ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं,
यहाँ पे राम लखन वर्मा जी कैबिनेट मंत्री 20वीं सरकार में यहाँ पे बैठते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात ये जो ऑफिस है अब जो है ये जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मिस्टर संजय सिंह पटेल और एबीवीपी के भी कार्यकर्ता हैं। दोस्तों तो आपने हमारा देख लिया होगा स्टूडियो रूम, मेरा ये ऑफिस है, पर्सनल ऑफिस है। मुझे ऐतिहासिक पुरुष जो हैं मुझे उन लोगों से काफ़ी लगाव है और मैं उन लोगों का पिक ढूंढ ढूंढ के अपने ऑफिस में लगाता रहता हूं, ताकि आपको और या किसी को भी जो भी हमारे ऑफिस में आए बैठे हमसे पर्सनल मीटिंग करें उसको भी अच्छा लगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना जो भी आपके पास ऑफिस है केबिन है उसमें ऐतिहासिक पुरुष का पिक जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो भी आता है आगे आएगा तो उसको सारी चीज़ें मालूम होती है और एक अच्छा संस्कार उनके अंदर जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को एक बार और आपसे मैं रिमाइंडर दिला दे रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे मनोबल में वृद्धि होती रहे। आप खुश रहिए, कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।